उसकी जो कॉर्पस या मैयत थी वो जाए वकुआ से 80 किलोमीटर या माइल्स, मुझे नहीं पता कि केन्या में माइल्स होते हैं या किलोमीटर होते हैं, वो कैसे दूर पहुंच गए, उसको ले जाने वाला कौन था? वो दुबई में था, तो दुबई में हुकूमत पाकिस्तान के किस आदमी ने वहां पे जोर लगा के उनको मजबूर किया कि उन्होंने रिपोर्टेडली ऑफर की कि आप या यहां से चले जाएं या हम आपको फिर एक्सटर्नमेंट आपकी करेंगे और आपको डीपोर्ट कर दिया जाएगा, इनसे अपने पोर्ट ऑफ दुबई से उठा के किसी और जगह उतार दिया जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पाकिस्तान सोगवार है और ऐसे मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद करामी इजाज़ हाबत हो मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सादा मफहूम एक लाइन में ये है कि हम सारे अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ लौट के जाना है, और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी इरशाद है कि जिसने किसी एक बेगुनाह यानी मासूम उद्दम को मारा वो या उसने पूरा आलम इंसानियत मार दिया। और इसके साथ ही जो अरशद शरीफ की शहादत और उसके बेईमाना कत्ल का जो सानहा है उस पर सारा पाकिस्तान सही मानों में तीन कैफियत से दो चार, एक सोगवारी की कैफियत है और दूसरा एक बेयकीनी की कैफियत हो गई है। मैं तो कहता रहा हूँ आई एम ऑन रिकॉर्ड, अब और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को एक डिज़ाइन के जरिए से जब साइफर रिजीम चेंज हुआ तो पाकिस्तान को बना दिया गया एक सरजमीन बेआईन। और तीसरा और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ तरफ मैसेजेस जा रहे हैं और पाकिस्तान में ये कैफियत कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में इससे पहले मैंने नहीं देखी। जो इससे पहले जो डिक्टेटरशिप्स भी आई, इससे पहले जो सिविलियन हैंड पिक्ड लीडरशिप और फौज के मार्शल लॉ के टेंट के गमले में बनी हुई पनीरी में से निकलने वाले लीडर वो भी आए, लेकिन ये कैफियत इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आई। ये ज़्यादा खौफनाक इसलिए भी है कि इस वक्त लोग ये समझते हैं और ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है हमारी और बजा तौर पे ऐसा समझती है, बिल्कुल ठीक समझती है कि हम जिस सदी में जिंदा हैं वहाँ साथ के मुल्कों को, इर्द गिर्द के मुल्कों को, एशिया के मुल्कों को, लैटिन अमेरिका देख लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, तो ह्यूमन राइट्स लोगों के बुनियादी हकूक उनके मुल्क के अंदर, अपने लोगों के अपने मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बड़ी इज्जत एहतराम और उनके निफाज में बड़ा जेलसली स्टेट गार्ड करती है उनको। तासर ऐसा फैलाया जा रहा है कि जिस तरह स्टेट ही अपने लोगों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, उसका एक मुजाहरा लाहौर में जो स्टेट के अंदर मैनेजर्स ला के साइफर के जरिए से बिठाए गए, वो मैनेजर्स हैं, उनकी तकरीरें, उन तकरीरों में वो नारे लगाए गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हमदर्द और जो जमहूरियत पसंद बच्चे बच्चियां सारी यूथ, उन्होंने कभी नहीं ये नारा लगाया। दोज वर स्टैंडिंग विद द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, इमरान खान के साथ मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन जाहिर है वो चूंकि तकसीम है पाकिस्तान में, एक तकसीम मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ लोग वो हैं जो मगरब के एसेट्स हैं पाकिस्तान में, उनके अपने एसेट्स जो मगरब के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, उनके अपने एसेट्स भी बैरून मुल्क हैं, उनमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं हैं, उनमें सहाफ़ी भी हैं, उनमें सेठ भी हैं, उनमें सारे तबकात के लोग मौजूद हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, जुडिशल सर्विस, दूसरी सर्विसेज में होते हैं वो भी हैं। जब उनमें से किसी के ऊपर हाथ पड़ता है जो उनके पालतू हैं, उनके जो पेट्स हैं, उन पेट्स पे जब हाथ पड़ता है तो मगरब बोलता है। लेकिन आप देखें जब से साइफर, जाहिर अमेरिका से साइफर आया था, उसके नीचे जो कुछ हो रहा है, ना किसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे कोई बोला है, अरशद शरीफ इज द लेटेस्ट एग्जांपल, ना किसी कस्टोडियल टॉर्चर पे कोई बोला है,
यहां पाकिस्तान के अंदर कोई 100 एम्बेसी है, वो एम्बेसी और सारे मोमबत्ती वाले उठ के खड़े हो जाते हैं, जो फिर कहते हैं जी के इसके साथ बड़ा जुल्म हो गया। और फिर मगरब के अंदर से भी लोग, हाँ एक बात का इतराफ भी करना चाहिए, बैलेंस जो कुछ भी हो बात वो दूसरी भी बतानी चाहिए, कि जो सेनेटर आजम सवाती के केस में दुनिया के अंदर प्रेस बोला था, और जो अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन तक और सेनेटर्स तक वो भी बोले, कहने वाली बात बतानी चाहिए पूरी। अब ये जो सानिया हुआ है, इसके तीन पहलू हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इमरान खान आज फिर दो अदालतों में, एक दहशतगर्दी और एक दूसरी अदालत में, आई वॉज इज काउंसिल, ही वॉज माई क्लाइंट, और हम गए और अल्लाह ने मेहरबानी की, दोनों जगह से बेल्स मिल गई हैं इंटरम, और कन्फर्मेशन के लिए एक में तारीख है 28 और एक में अगले महीने की 12 तारीख है। हैविंग सेड दैट, अब जरा वापस आइए, वो पांच शवाहद, शवाहद क्या हैं? हम तफ्तीशी नहीं हैं, नई पाकिस्तान तफ्तीश कर रहे हैं, हालांकि आपको याद होगा पठानकोट का वाकया हुआ, तो गुजरांवाले में पर्चा किया गया, हुकूमत इन्हीं की थी जो इस वक्त बैठे हुए पीडीएम वाले, साजिशी सिफारिशी और साइफरी टोला, जो पाकिस्तान का कोई शख्स अगर मारा जाए या कोई शख्स अगर जुर्म करे बैरून मुल्क, तो पर्चा पाकिस्तान में हो सकता है। ये गवर्नमेंट इसने पूरा दिन वो नैरेटिव बिल्ड करवाने करने में लगी रही, और उन्होंने ताजियत भी नहीं की, अब शाम को जाके वो बोलें तो साफ़ी तंजीमें बड़े बड़े वो जो तूफान बरपा कर देते थे, कुछ लोग उनमें से भी बोले, उनको जो बोले उनको शाबाश, इसलिए कि बोलना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, वो जो पब्लिक जस्टिस लिंचिंग एट द पब्लिक प्लेसेस, और इत्राम आदमियत के खिलाफ जो एक्शन हो, और जुडिशल जो किलिंग है जिस तरह भुट्टो की हुई थी और वो अब भी होती हैं, और उसके साथ ही जो किलिंग के अलावा कस्टोडियल टॉर्चर है लोगों को बंद करके, उनको बेआबरू करना और उनको बेइज्जत करना और उन पर तशद्दुद करना, इसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए। उस पर सरकमस्टांसिस जो हैं वो पहला सरकमस्टांस ही है, जो पांच उसके आपको मिलते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के सरकमस्टांशियल एविडेंस आप शायद उसको कह सकते हैं। एक तो ये कि वो मुल्क बदर क्यों हुआ, दूसरा वो दुबई में था, तो दुबई में हुकूमत पाकिस्तान के किस आदमी ने वहां पे जोर लगा के उनको मजबूर किया कि उन्होंने रिपोर्टेडली ऑफर की कि आप यहाँ से चले जाएं, या हम आपको फिर एक्सटर्नमेंट आपकी करेंगे और आपको डीपोर्ट कर दिया जाएगा, इनसे अपने पोर्ट ऑफ दुबई से उठा के किसी और जगह उतार दिया जाएगा। तीसरा, ये सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि वो बेयारो मददगार केनिया कैसे पहुंचा, और उसको ले जाने और पहुंचाने वाला कोई साथी था, अगर दो लोगों के नाम आ रहे, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। चौथा, पहले ये क्यों खबर चलाई गई कि वो कार एक्सीडेंट में या रोड साइड एक्सीडेंट में, आरएसए जिसको कहते हैं, उसमें मारा गया। फिर दूसरा, ये क्यों कहा गया कि वो रॉन्ग आईडी पे मारा गया। तीसरा, ये फिर क्यों कहा गया कि वहां की पुलिस जिम्मेदारी, वो एक आप देख लें कि वहां किस तरह से पुलिस काम करती है, और वहां जो मुस्लिम अकलियत है उनके लिए उन्होंने एक अलहदा से स्क्वाड बनाया हुआ है, और वो स्क्वाड किस तरह काम करता है, वो एक मैंने अभी किसी ने मुझे भेजी थी बाहर से, तो वो मैंने एक पूरी वो फिल्म बनी हुई है उसके ऊपर, एक बहुत बड़े इदारे ने फिल्म बनाई है, बैन अवी नशियाती इदारा है उसने। आखिरी बात, उसकी जो कॉर्पस या मैयत थी वो जाए वकुआ से 80 किलोमीटर या माइल्स, मुझे नहीं पता कि केन्या में माइल्स होते हैं या किलोमीटर होते हैं, वो कैसे दूर पहुंच गई, उसको ले जाने वाला कौन था, और फिर उसकी कोई एहतराम से तस्वीर जारी करने के बजाय एक टेररिज करने वाली, लोगों को खौफ सदा करने वाली, और जिसके बारे में बाकायदा इस तरह की पिक्चर्स जो होती हैं उनको नशर नहीं किया जाता, कोई भी वाक्य हो जाए तो वो पिक्चर भी चली, ये सर्कमस्टांसेस हैं। चाहिए क्या? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, सबसे पहला तो एक जुडिशियल प्रोब चाहिए। मैं, असद उमर साहब, अली अवान और कुछ और दोस्त थे, हम उनकी मैंने जमानतें करी, असद उमर और
अली अमान और कुछ और लोगों जो हमारा एमएनए पकड़ा उसकी कल जमानत लगी हुई है, तो वो वहाँ से हम निकले तो हम सीधे अरशद शरीफ का घर G11 में ही वो है, G11 के दूसरी साइड पे वो, उनकी वालदा से मैं मिला। नाकाबले बयान है, आई वॉज मेरे वाले साहब, मैं बहुत छोटा था जब फौत हो गए थे, तो आई वॉज ब्रॉट अप बाई माई मदर, अम्मा जी मेरे, तो आई जस्ट कैनॉट एक्सप्रेस दैट जो वहाँ हुआ। और अब जो असली बात है, एक पहली बात ये होगी, 5 सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस के पीसीज हैं वो क्या कहते हैं, दूसरा उसको निकलवाया किसने, जोर लगा के इम्पोर्टेड कमेंट में से किसने निकलवाया वहाँ से। और फिर जो तीसरा मैंने आपको बताया वो ये है कि ये प्रोब होनी चाहिए। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ एज अ ज्यूरिस्ट, एज अ लॉयर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कब तक खामोश रहेगी। वतन पार्टी और दूसरे इतने मुकदमात हैं, लिख लिख के हमने सफ़े काले किए हुए हैं, इतनी इतनी मोटी जजमेंट्स हैं, वो किसी लड़ाई में मारनी हो अगर बंदा भी होश उठ जाए, किसी को किताब लग जाए, और वो इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने गिल की चीखो पुकार, उसके बाद आजम सवाती, उसके बाद ये कस्टोडियल टॉर्चर था, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, कब तक पाकिस्तान का निजाम इंसाफ खामोश रहेगा, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगी। सुओ मोटो नोटिस इन चीजों में ले जाते हैं, वेल एंड गुड सारे लें, लेकिन लोगों में ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये मुल्क 30-40 एलिट्स के लिए बना है, ये उनके बाप की जागीर है, हम सारे यहाँ किरायादार हैं, उनके गुलाम हैं, गुलामों के साथ जो चाहे जैसा सलूक करे, और एलिट्स का राज रहेगा, एलिट्स का कब्जा रहेगा, एलिट्स हुकूमत में आते रहेंगे, एलिट्स इसको लूट के खाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत थामे नासर आपका और इस मुल्क का, पाकिस्तान पाइंदाबाद।